हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे भरवा करेले की सब्जी कैसे बनाई जाती है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो ये मैंने करेले लिए हैं। करेले का ऊपर का छिलका निकालेंगे, सभी करेले के छिलके इस तरीके से निकालेंगे। ये मैंने सभी करेले के छिलका निकाल दिया है। अब इसमें ये जो छिलका है ये थोड़ा कड़वा रहता है, इसमें नमक मिलाएंगे जिसका कड़वापन है वो निकल जाएगा। इसी में भी डालेंगे नमक। नमक मिला के गुनगुने पानी में रखेंगे 10 मिनट के लिए, जो इसका जो कड़वापन है पूरा अच्छे से निकल जाए। इसमें नमक अच्छे से मिक्स कर लिए दोनों में। अब इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे। ये मैंने भगुना लिया है, इसमें पानी डालेंगे आधा लीटर पानी। पानी को गर्म करेंगे अच्छे से, पानी को गर्म करेंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है। ये जो मैंने करेले में नमक मिलाया था इसको धो के और इसमें डालेंगे। इसका जो ये पानी है ये भी निकल रहा है। सभी को इसमें डालेंगे, ऊपर से पानी डाल के अच्छे से धो के और गर्म पानी में डालेंगे। ये ऊपर से अच्छा पानी डाल के धोएंगे। ये धुल चुके हैं, ये हमारा पानी भी गुनगुना हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे जो करेले का कड़वापन होता है बिल्कुल निकल जाएगा। जो करेले की सब्जी कोई भी पसंद नहीं करता खाना, वो भी पसंद करेंगे। इस तरीके से करेले की भरवा करेले की सब्जी बनाएंगे। ये जो मैंने छिलका लिया था ये भी इसमें डालेंगे। ये जो करेला फायदा करता है उतना ही ये जो छिलका है वो भी फायदा करता है। अब इसको एक उबाल आने तक उबालेंगे। इसमें भी एक चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये करेले में काल आना स्टार्ट हो चुका है। करेले की सब्जी को आप कोई भी सब्जी बनाइए उसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है, ताकि उसका जो कड़वापन होता है बिल्कुल अच्छे से निकल जाता है। और आप ढक देते थे उसकी जो भाप होती है उससे कड़वापन बिल्कुल नहीं निकलता और सब्जी भी अच्छी नहीं लगती है। ये उकाल आ चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए इसी पानी में रखेंगे। तब तक हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए ये मैंने एक टमाटर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें, ये लहसुन है, ये प्याज है एक, ये बारीक 2 टुकड़े अदरक के, तो सभी को काट के जार में डालते हैं। टमाटर काटेंगे, प्याज भी डालते हैं, हरी मिर्च भी डालते हैं। और प्लीज अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज कर लीजिए, जो सबसे पहले नए वीडियोस होती हैं आप तक पहुंचेंगी। ये लहसुन अदरक भी डालेंगे। अब इसको पीसेंगे। ये हमारी ग्रेवी पीस चुकी है। ये जो मैंने करेले गर्म पानी में डाले थे अब इसको बाहर निकालेंगे। 10 मिनट हो चुकी हैं, इसका जितना भी कड़वापन है पूरा निकल चुका है। ये मैंने ऊपर से साफ पानी डाल के अच्छे से धो लिए करेले को। अब करेले को निकालेंगे और इसका जो छिलका है इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये मैंने करेले छिलके अलग कर दिए, अब इसकी ग्रेवी बनाएंगे। मैंने गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, जीरा डालते हैं, हींग भी डालते हैं। करेले के छिलके डालते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो खत्म हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब इसमें जो मैंने ग्रेवी तैयार करी थी ग्रेवी डाल के मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें मसाले डालते हैं। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर डालते हैं,
धनिया पाउडर डालते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला पूरे अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, पहले से भी नमक डाले थे। ये मैंने अमचूर लिया था, अमचूर डालते हैं 1 से 1.5 चम्मच। आप इसमें कच्चा आम का यूज भी कर सकते हैं, कच्चा आम भी डाल सकते हैं। अब इसमें गरम मसाला भी डालते हैं, ये डाल के मिक्स करेंगे। इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी ग्रेवी तैयार होती है, तब तक ये जो करेले हैं इसमें बीच से चीरा लगाएंगे। ये जो अंदर के बीज हैं, बीज निकालेंगे सभी। इस तरीके से पूरे बीज निकालेंगे अंदर से। ये मैंने सभी में चीरा लगा के अंदर का जो बीज था वो सभी का निकाल लिए हैं। और हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है, गैस बंद करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। ये हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है, अब इसके अंदर भरेंगे मसाला। ये मैंने सभी के अंदर अच्छे से मसाला भर लिए हैं। फिर से कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हींग का तड़का लगाएंगे, हींग डालते हैं। अब इसमें करेले फ्राई करने के लिए रखेंगे। अगर आपको मसाला निकलने का डर है तो आप इसमें धागा भी लपेट सकते हैं, ताकि मसाला बिल्कुल सेट रहेगा, निकलेगा नहीं। इसको धीमी गैस से फ्राई करेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है। इसको चमची की सहायता से इस तरीके से पलटेंगे, चारों तरफ से अच्छे से सिकाई हो। और इसमें थोड़ा ऊपर से नमक भी डालेंगे, अच्छे से सिक जाए। ये हमारे सभी करेले तैयार है, देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं करेले। अब गैस बंद करेंगे और इनको सर्व करेंगे। ये हमारे भरवा करेले तैयार है, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है, कितने अच्छे से भरे हैं, मसाला भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अगर आप इस तरीके से करेले की सब्जी बनाएंगे, अगर आप करेले को नहीं पसंद करते हैं तो तब भी आप इस तरीके से बनाएंगे तो करेला पसंद करेंगे खाना। तो हमारी सिंपल तरीके से भरवा करेले की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू दोस्तों।